हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट वीडियोज़। मैं पैशन, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिर्ची का पेड़ घर पे किस तरह लगाया जाए। एंड आपके साथ मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ गार्डन में किस तरह के मैंने वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं, किस तरह फ्रूट्स लगाए जाते हैं, हर चीज़ मैं आपके साथ गार्डन के घर पर किस तरह फर्टिलाइज़र्स बनाए जा सकते हैं। तो आपने मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, गार्डन के प्लेलिस्ट में आपको सारे गार्डन की चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप ज़रूर जाके एक बार चेक कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो का एंड तक देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ची का जो ग्रोथ हो कितना प्यारा से एकदम छोटी छोटी एकदम फ्लावर के बाहर से निकल रही। देखिए इसमें ये भी फ्लावर मुरझा गया है एंड इसमें भी, यहाँ पे भी देख सकते हैं कितनी छोटी सी मिर्ची यहाँ पे लगी है। अभी ये वीडियो में देख सकते हैं, नेक्स्ट क्लिप में देखते हैं कितने सारे मिर्ची ढेर सारे लगी हुई है। ये मेरी गार्डन की इसकी फ़ोटो थी। तो इतने से छोटे पेड़ पे कितनी अच्छी मिर्ची लग गई है, इसमें तकरीबन दो मिर्ची तो लग चुकी है। तो देख सकते हैं इस तरह के मैंने चार पांच पेड़ मिर्ची के डाल दिए हैं। तो इसमें से बहुत सारे ढेर सारी मिर्ची निकल ही जाती है, देख सकते हैं इसमें से भी निकल रही है, इस पेड़ से भी। और इस पेड़ को मैंने घर पे ही मेरे खुद से ही डाली हैं। तो चलिए हम लोग इस पेड़ को घर पे ही किस तरह डालते, बाहर के बीज नहीं डाला ही हूँ मैं। देख सकते हैं इस तरह के लाल मिर्ची, सूखी मिर्ची तो अपने पास पड़ी रहती है, कुछ नहीं, हरी मिर्ची को ही थोड़े दिन रख दो तो वो लाल बन जाती है और सूख जाती है। फिर सूखने के बाद उसके अंदर किस तरह से बीज निकालनी है। एंड इस बीज को मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पॉट जो होता है ना, इस पॉट में थोड़ा सा मैंने 2 इंच डिप करके इसमें डाल दी हूँ और इसको मैं ऊपर से थिन लेयर सॉइल से मैं इसको कवर कर देती हूँ, इसको अच्छे से कवर कर देती हूँ और उसको थोड़ा सा मैं टैप कर देती हूँ इस तरह से। और इसमें डाल देती हूँ धीरे से पानी, पानी एकदम से नहीं डालना है वरना वो जो होता है होल बन जाता है और बीज जो होती है वो बाहर दिखने लगती है। बीज को बाहर नहीं दिखानी है तो पानी को इस तरह से स्प्रिंकल कर लेते हैं अच्छे से। देखिए पानी को मैंने अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया और बाद में मेरे 14 डेज़ के बाद कुछ इस तरह से छोटी सी आपको दिख रहा होगा किस तरह कितना प्यारा सा छोटा सा एक पौधा उगा हुआ है, वही मिर्ची का पौधा इस यहाँ पे भी उगा हुआ था मेरे गार्डन में। एंड देख सकते हैं अभी इसके ऊपर इस तरह बाद में फ्लावर्स आएंगे, इस तरह के फ्लावर्स आके फ्लावर्स मुरझ जाएंगे, मतलब टोटली छोटे हो जाएंगे फ्लावर्स। और छोटे फ्लावर्स हो जाने बाद इस तरह फ्लावर के अंदर से जो है मिर्ची इस तरह आ जाएगी बाहर, और इसके बाद वो फ्लावर जो है ऊपर का हट जाएगा और मिर्ची जो है अपनी सादी निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटे फ्लावर आने वाले हैं एंड देखिए छोटी सी मिर्ची इस तरह से ग्रोथ मिर्ची की होती है। एंड ये मैंने सच्ची घर पे ही इतना आसानी से उगा सकते, जितना आपका छोटा पौधा हुआ ना ये बड़ा होने के लिए आपको कम से कम 1.5 महीना लगेगा। 1.5 महीने के बाद आपको इस तरह के अच्छे से ढेर सारे मिर्ची लगने वाले पौधे मिल जाएंगे। एंड मिर्ची बस इसमें अब ध्यान है सनलाइट भी इसको ज़्यादा चाहिए और इसको पानी भी ज़्यादा चाहिए। जितना आप पानी का डालोगे, पानी इतना ज़्यादा मत डालना ताकि इसका एक मतलब पेड़ ख़राब हो जाए, जब तक इसकी ग्रोथ हो जाएगी तब तक इसको अच्छे से डालना। देखिए सारे मेरे पेड़ के ही मिर्ची जो आपने अभी तक फ़ोटो देखा है एंड देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी मिर्ची लग जाती है। आपको कोई भी बाहर से लाने के पौधे की ज़रूरत नहीं, आपके घर में पड़े हरी मिर्ची को थोड़े दिन रख दो, लाल बन जाएगी, सुखा देना और सूखी हुई लाल मिर्च के बीज को ही अब डालने के बाद इस तरह के हो जाते हैं। देख सकते हैं ना कितना अच्छा रिसाइकिल होता है, एक मिर्ची से कितने सारे ढेर सारी मिर्ची निकल जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।